benutzen. हेलो फ्रेंड, जी माइंड टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये रहे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फरवरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले माफ़ करिएगा, थोड़ी क्लास लेट हो गई। असल में पहले इंस्टीट्यूट में बनाना चाहते थे पर वहाँ बहुत आवाज़ आती है, तो फिर घर आने में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए अब हम भी बना रहे हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। IRCTC की टिकट बुकिंग क्लोजिंग टाइम क्या होती है? तो IRCTC की जो टिकट होती है उसका एक टाइम होता है, आप ऐसे नहीं हमेशा टिकट बुक कर सकते हैं। तो एक बार बुकिंग क्लोज हो जाती है उसके बाद आप टिकट बुक नहीं कर सकते हैं। तो टिकट बुकिंग का टाइम जो होता है, ये जो टाइम जो है आपका यहाँ पे होता है IRCTC के ऑनलाइन वेबसाइट का नहीं है, ये अगर आप वहाँ पे जाके बुक करते हैं तो उसके लिए है। और इनमें कुछ क्वेश्चन जो मतलब टिकट जो होते हैं तत्काल वाले होते हैं उनके लिए टाइमिंग है। तो इसका जो टाइम होता है वो होता है 11:45 PM। तो 11:45 के बाद आप जो है कई ट्रेनों के जो है टिकट को बुक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। IMEI की मदद से मोबाइल को ट्रैक किया जा सकता है या नहीं? तो मोबाइल को ट्रैक करने के लिए IMEI का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आपके फ़ोन में सिम कार्ड नहीं लगा हुआ है तो फिर उन केस में हम MAC ID का इस्तेमाल करते हैं, अगर सिम को हम मतलब मोबाइल को वाईफाई की मदद से चला रहे हैं तब। अगले सवाल पे आते हैं, केल में सेल इंसर्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? तो ज़रा मैं आवाज़ देख लेता हूँ। तो अगला सवाल है, केएल में सेल इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो आवाज़ सही आ रही है। तो केएल में सेल को इंसर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं Ctrl+ का। Ctrl+ दबाने के बाद हमें ये प्लस वाले बटन को दबाना पड़ेगा। प्लस का मतलब है ये शॉर्टकट की है। कंट्रोल के साथ हम जब प्लस दबाएंगे तब हम जो है केएल में सेल को इंसर्ट कर पाएंगे। अगला आता है, पैन कार्ड में कितना नंबर होता है? तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तो पैन कार्ड में हमारा 10 डिजिट का होता है, जबकि आधार नंबर हमारा 12 नंबर का होता है, लेकिन आधार में एक वर्चुअल आधार नंबर भी आता है जो 16 नंबर का होता है। तो याद रखिए, HDD का पूरा नाम क्या होता है? HDD का पूरा नाम हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। MAC 5268, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार पूछा जाता है, हर बार इसका जो है CCC इसको जरूर पूछता है, वो CCC को फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा 8। मैच मतलब जब भी आप मैच का जो फार्मूला यूज करेंगे, मैच सब मिनिमम 3 फार्मूले होते हैं जो CCC के सिलेबस से पूछे जाते हैं। मैच में क्या होता है, जैसे ये चारों नंबर हम डालेंगे तो हमारे जो मैक्सिमम नंबर सबसे बड़ा नंबर जो होता है उसको रिटर्न करता है 8 होगा। अगर हम मिनिमम का फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर 2 यूज करेगा, और जब यहाँ पे एवरेज का फार्मूला यूज करेंगे तो चारों नंबर का जो एवरेज मान होगा उसको निकाल के यहाँ पे वो दिखाएगा हमें। तो 3 फार्मूला ही CCC के सिलेबस में पूछा जाता है, हालांकि कभी कभी और भी पूछ लेते हैं पर आपको पढ़ना 3 ही वो है। इम्प्रेस में एक पेज में सभी स्लाइड को देखने के लिए किस व्यू का इस्तेमाल किया जाता है? जो कि एक पेज के अंदर सारी स्लाइड आप छोटे छोटे थंबनेल में अगर देखना चाहते हैं तो कौन से व्यू का इस्तेमाल किया जाता है? तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में आपकी सारी स्लाइडें छोटे छोटे थंबनेल में दिखाई पड़ जाती हैं। NUUP का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ NUUP का? तो NUUP का पूरा नाम होता है तो नेशनल यूनिफाइड USD प्लेटफॉर्म। इसका इस्तेमाल उन बेसिक वाले मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल किया जाता है जिनमें इंटरनेट नहीं चलता है, उनकी मदद में भी। जैसे आप पहले बैलेंस चेक करते थे वो *123 दबा के, उसी तरह से आप बैंक का भी बैलेंस अपने चेक कर सकते हैं। RSA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो RSA वाला भी क्वेश्चन पिछली बार से पूछा जाने लगा है, पहले नहीं पूछा जाता था। इसका आंसर होगा पहले रिबेज समीर अडलीमैन। QR का पूरा नाम क्या होता है? इसका तो आप सभी जानते हैं, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है QR का पूरा नाम। जब आप किसी को मेल भेजते हैं तो सिंट में जाता है, ट्रू है या फॉल्स है? तो अगर आप किसी को बड़ा अटैचमेंट का ईमेल भेजते हैं नॉर्मली अगर मोबाइल से, तो सिंट में पहले नहीं जाता, तो वो पहले जाता आउटबॉक्स में। आउटबॉक्स में वो मेल तब तक रहता है जब तक वो पूरी तरीके से सिंट ना हो जाए। एक बार वो पूरी तरीके से मेल आपके मोबाइल से सिंट हो जाता, मतलब अगर आप कोई अटैचमेंट भेजते हैं, अटैचमेंट तब तक आउटबॉक्स में रहती है जब तक अटैचमेंट की पूरी फाइलें सर्वर पे अपलोड नहीं हो जाती। एक बार अपलोड हो जाती है तो वो मैसेज आउटबॉक्स से हट के जो है सिंट में चला जाता है। कभी कभी आप किसी को मेल भेजते होंगे तो डायरेक्टली सिंट में नहीं दिखता होगा, तो आउटबॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पर। 500 रुपये का नोट रंग कैसा होता? तो पिछली बार से या एक दो बार से नोट का रंग पूछने लगे हैं और साइज भी पूछते हैं, तो यह चीज़ याद रखिएगा। तो स्टोनिक ग्रे उसका नाम है, जो वहाँ पर ग्रे कलर होता है उसको स्टोन ग्रे बोलते हैं।
केल में रो की बाय डिफॉल्ट हाइट क्या होती है? तो केल में रो की बाय डिफॉल्ट हाइट क्या होती है? तो यहाँ पे हमारी बाय डिफॉल्ट हाइट होती है 18, ये इंच में रहती है, सेंटीमीटर में नहीं रहती। एसटीपी में पोर्ट नंबर क्या होता है? तो एसटीपी का पोर्ट नंबर ये पिछली बार से पूछा जाने लगा है, तो एसटीपी का पोर्ट नंबर होता है 80। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नंबर होता है। इसका एक सिक्योर वर्जन भी आता है जो आजकल यूज किया जाता है, जिसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, उसके आगे CPS लगा दिया जाता है बस। ये आप ट्रू से रीनेम या एडिट कर सकते हैं, तो इसका ट्रू फॉल्स है, सही या गलत है। तो जब ट्रू से होता है ये होगा हमारा ट्रू। इम्प्रेस में अधिकतम जूम 300% कर सकते हैं, ट्रू है या फॉल्स है? तो ये होगा फॉल्स, 300 नहीं 400% होता है। तो अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकारी काम काजों के लिए किस प्रकार की हैकिंग सिखाई जाती है? असल में सरकारी काम काज में कोई हैकिंग नहीं सिखाई जाती है, ना ही किसी तरह की हैकिंग की ज़रूरत पड़ती है। हैकिंग की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें अपने सर्वर को प्रोटेक्ट करना होता है, या फिर वो ऐसे लूप होल ढूंढना होता है सर्वर में। तो उसके लिए हालांकि उसका नाम होता है, उसको कंप्यूटर के भाषा में एथिक हैकिंग बोला जाता है, मतलब एक ऐसी हैकिंग जिसमें जो है चोर, जो मतलब कि जो हैकर लोग होते हैं वो सरकार की मदद करते हैं उनके वेबसाइटों को सुरक्षित रखने के लिए। हैकिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है, यहाँ पर देखिए कई तरह के हैकिंग होते हैं। तीन मेन तरह के हैकर होते हैं, जो वाइट हैट, ब्लैक हैट और एथिकल हैकर होते हैं। अब एथिकल हैकर को हम वाइट हैट हैकर भी बोलते हैं, लेकिन उसके लिए अब वहाँ पे एथिकल हैकिंग ही वर्ड यूज किया जाता है। कौन सा सोशल मीडिया जॉब सर्च से संबंधित? तो जॉब सर्च करने के लिए लिंक्डइन का इस्तेमाल किया जाता है। लिंक्डइन एक फेसबुक की तरह ही होता है, जहाँ पे आप अपनी पूरी पूरी बायोडाटा दे सकते हैं और CV भी बना सकते हैं अपना पूरा वर्क फ्रू। और यहाँ पर कंपनियाँ आपके जो हैं यहाँ से आपकी प्रोफाइल को स्कैन करती हैं। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपके लिंक्डइन की प्रोफाइल भी मांगती हैं और उसको स्कैन करती हैं कि आप किस तरह के पोस्ट वहाँ पर करते हैं और आपकी प्रोफाइल में आपने क्या क्या वहाँ पर इंसर्ट करके रखा हुआ है। पेज ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? पेज ब्रेक मतलब कि यहाँ पे हम दबाएंगे Ctrl+Enter। Ctrl+Enter जब भी हम दबाएंगे जिस जगह पे कर्सर होगा वहीं से हमारा पेज जो है ब्रेक हो जाएगा और जो भी कंटेंट होगा वो नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। उमंग ऐप कितनी भाषाओं में संचालित होता है? तो उमंग ऐप एक एप्लीकेशन है सरकारी, जिसमें आप बहुत सारी योजनाओं को आसानी स्वीकार कर सकते हैं। जैसे कि अगर आय जात निवास ऐसी कोई भी चीज़ आपको बनवानी है तो आप उमंग में जाकर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, आपको किसी साइबर कैफे आदि में जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये हमारी होती है 13 भाषाओं में उपलब्ध है। लिब्रा ऑफिस में डिजिटल सिग्नेचर डाल सकते हैं या नहीं? MS ऑफिस का जो पुराने वाले वर्जन थे उनमें भी डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन था, लेकिन अभी माइक्रोसॉफ्ट ने उसको हटा दिया, पर लिब्रा ऑफिस में अभी भी है, क्योंकि लिब्रा ऑफिस जो है माइक्रोसॉफ्ट के पुराने वाले वर्जन पे बेस्ड है। तो ये ट्रू होगा इसका आंसर। डिलीट करने पर फाइल कहाँ पर जाती है? तो डिलीट करने पर कोई भी फाइल हमारी जो है रिसाइकल बिन में चली जाती है। उसी तरह अगर हम किसी ईमेल को डिलीट करते हैं तो हमारे बिन फोल्डर में चला जाता है, और अगर हम गूगल ड्राइव से कोई फ़ोटो डिलीट करते हैं तो वहाँ भी गूगल में जो है रिसाइकल बिन को बिन बोला जाता है। माइक्रोसॉफ्ट के अगर में देखा जाए विंडो के अंदर तो उसको रिसाइकल बिन ही बोला जाता है अगर कोई भी फाइल डिलीट करते, लेकिन अगर आप किसी फाइल को बिना रिसाइकल बिन में भेजे डिलीट करना चाहते हैं तो आपको डिलीट बटन ना दबा के शिफ्ट प्लस डिलीट दबानी होगी और फाइल जो है सीधे के सीधे डिलीट हो जाएगी बिना रिसाइकल पिन में गए हुए। ट्विटर आइकन में जो पक्षी है उसका नाम क्या? ये वाला सवाल बहुत बार पूछा जाता, कम से कम 10 बार एग्जाम में पूछा गया। तो उसका नाम लैरी बर्ड है, जो छोटी सी ब्लू रंग की चिड़िया है, गौरैया मत समझ लीजिएगा उसको। रुपया शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो रुपया शब्द हमारा जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो ये हमारे थे 24 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगली क्लास हम कल सुबह करेंगे, टाइम अभी कंफर्म नहीं है, कल का बताएंगे, नहीं तो सुबह नहीं तो शाम को एक क्लास हम डेली करेंगे। उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे, इसमें सिर्फ 24 ही क्वेश्चन है, उसमें हम कम से कम 50 क्वेश्चन लेंगे। तो और भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन ग्रुप में मिल जाएंगे, पुराने वीडियो देख के आप क्वेश्चन आराम से करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो 1 तारीख से शेड्यूल हो चुका है सभी लोग का। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक।